अस्सलामुअलैकुम। आज जनाब जुमे का दिन है और दिन तो गुजरा घर में ही, 12 बजने वाले हैं। जुमे की तैयारी है अभी, उससे पहले जाते हुए ये कचनार निकाल दे, कल गाड़ी में पड़े हुए हैं रख देते हैं। मौसम तो आज बड़ा शानदार बना हुआ है, इस तरह ठंडी हवा चल रही है और बारिश जो है ना वो बिल्कुल बरसने के लिए तैयार है जी। फिर बिलाहर बारिश शुरू हो ही गई और काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई। लूसन भी खुश्क करने के लिए डाला हुआ है, ये भी अब सारा गीला ही हो गया। ये देखें कैसे खरगोश है ये देखें, चेक करें इसके जो कान है, ये देखें कैसे गिरे हुए हैं। इधर आगे दिखाते हैं कोई डर, ये चेक करें इसके कान नीचे गिरे हुए। इसे कहते हैं लूप, आलैंड लूप, आलैंड लूप ब्रीड है ये। कितनी क्यूट क्यूट ब्रीड, आंखें नहीं कैसी नीली रंग की। किस कदर बादल बना हुआ है, बारिश अब रुक चुकी है, असर की जो आजाने हैं उनकी आवाज़ें आना शुरू हो गई है। बड़ा प्यारा मौसम हो गया आज का दिन, इधर बारिश लगी हुई थी तो रैबिट फार्म पे गुजर गया ज़्यादातर। लूसन की कटाई हो गई है ना, तो ये नया हो रहा है, बेहतर है लूसन। बारिश में जब सफ़र करें तो ये हालत भी हो जाती है। मोगरे भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, पक गए हैं अब ना, ये पता नहीं खरगोश खाते हैं कि नहीं खाते। तो ये खरगोशों को डाल के चेक करते हैं, ये देखो कितने कितने बड़े हो गए। ज़्यादा मट्टी बड़ी लग गई, नहीं जी इन्हें चेक कराते हैं मोगरा। ये तो मोगरा काले लग पड़े, ओ ये तो सारे काले लग पड़े।
इसका मतलब जो पके हुए मोगरे हैं वो फिर ज़ाया नहीं होंगे, इन्हें खिला देते हैं सारे। ये असल में ये काटू माल है काटू में जो भी चीज़ खिलाएं काटू खा जाते हैं। ये नीचे वाले जो काटू हैं इन्हें चेक कराते हैं। ये भी खाने लग पड़े। अच्छा ये काटू माल तो खा गया है मोगरे, अब इनके लिए मजीद मोगरे उतारते हैं। ये कितने कितने बड़े मोगरे, ये ना बूदा ही उतर गए। ये देखें जी, ये सारे ही जो है ना अब तकरीबन ज़्यादातर ये पक ही चुके हैं, इस तरह ही उतार रहे थे। अब देखते हैं क्या करती है, होते वैसे थोड़े थोड़े कड़वे कड़वे हैं कच्चे जो है। लो जी काटू जी, मिस्टर काटूज, चलो मोगरे आ गए, अब देखते हैं काटू क्या करते हैं। काटू खाई जा रहे हैं जी, नीचे वाले काटू इन्हें भी डालते हैं। चलो काटू मोरे आ गए, ये खाने वाले बड़े हैं। ये देखिए ये मैंने चेक करवाते हैं, ये भी खा गए। अच्छा जो काटू माल है ना वो मोगरे तो खा गया। ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं इनके, ये क्या इसको कहते हैं, सूरजमुखी, ये देखते हैं अब डाल के काटू माल को। ये देखिए कितने कितने बड़े पत्ते हैं इसके, एक पत्ता ना इसका तोड़ते हैं। ये कीड़े शीड़े तो कोई नहीं है इस पर, ये ट्राई करते हैं क्योंकि उम्मीद तो है ये भी खा ही जाएंगे। जुकाम ना उन्हें लग जाए सब्ज़ा खा के ज़्यादा, क्योंकि हम सब्ज़ा डालते नहीं। लो जी काटूज काटूज नया चारा आ गया है, अब ये खाएं। ये देखे जनाब ये भी खा गए, काटू तो ये भी खा गए। तो हर चीज़ खाई जा रही। बाहर मुझे लगता है कि जुहेब आ गया जी, जुहेब फसे बारिश निकलना नहीं हो रहा तेरे सामने कपड़े छपे इसी लभ रहे नहीं लभ रहे नहीं लभ रहे मैं दसी ना जी नहीं लगते फिर मैं मशहूर करा था फिर मैं इस तरह कपड़े नहीं लगते। फिलहाल किधर घूम रहे हो
ये जनाब चेक करें कैसे खूबसूरत फूल लग रहे हैं यहाँ। हाँ यासुम कैसे हैं? ठीक ठाक मानो को तो मेरा दिल है यार ले ही जाए कि मानो जाना है उधर घर है मनिए चले घर बिल्ला भी उधर मंगवा लेंगे फिर मदर बन जाना अगली मदर। स्टिकर्स आ गए ठीक है स्टिकर तो ना भी ये देखे ना इस तरह इन्हें स्टिकर लगा देते हैं साइड ऑन पे त्यार है बिल्कुल बारिश फिर जनाब शुरू होगी। शाम का टाइम होने वाला है अफ्तारी से एक घंटा पहले फिर बारिश आ गई। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है और अफ्तारी का टाइम होने वाला है तो मैं मोटरसाइकिल पे आया हूँ फार्म पे तो अब वापसी के लिए जो तैयारी है वो ये देखें मोटरसाइकिल पे इस तरह तैयार हो रही है बारिश भी शुरू हो गई और हमने प्रोग्राम बनाया कि आज हमने गाड़ी में इफ्तारी करनी है। ये देखें शीला भी शीला कहाँ जा रही हो? इफ्तारी का सामान लेने जा रहा हूँ। चलो जाए ले हम भी आज गाड़ी में इफ्तारी करेंगे। अफ्तारी का सामान ले कमरा इंजॉय कर रहे बारिश में बारिश इंजॉय करने देते अफ्तारी का टाइम हो गया तो जनाब अफ्तारी हम करने लगे हैं। ये तो हमने खा लिया जनाब और दूसरी अफ्तारी करवा देते हैं इनसे नहीं। नहीं। आज से एक साल पहले यहाँ पे व्हाट्सएप होते थे बड़े बुजुर्ग के दिखे थे अब वो फोत हो गया तो उनका लड़का टिकट खाना तो एक साल बाद हम उनसे टिकट खाने आए खा के पता चले गया कि अब उसका जायका वो है या नहीं रेसिपी वही है लेकिन थोड़ा टेस्ट में डिफरेंट
डॉगीज छोटे छोटे डॉगीज देखिए छोटे छोटे डॉगीज हमारे माशरे में कुत्तों को कोई मकाम नहीं मिलता बेचारे खज्जल ही होते हैं। चलो घर चले जाओ मामा के पास चलो चलो चले जाओ घर पहुंचू अभी कपड़े चेंज करने के लिए गया हूं तो पीछे से फिलहाल एंड कंपनी ने स्प्रे कर दिया मच्छरों वाला कमरे में और उसकी इतनी स्मेल हो गई है ना अभी कहा लिया कि रात को विंडो खोलनी पड़ेगी सारी स्मेल बाहर निकले तो फिर जाके ना सोने होगा बाहर सोने नहीं होना इतनी बाहर सर्दी है ना इतनी सर्दी में अभी विंडो खोलनी पड़ेगी और पंखा चलाना पड़ेगा दोनों पंखे चलाने पड़ेंगे।